नमस्कार, इस घंटे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। विधानसभा सत्र को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संचालन को लेकर चर्चा की गई। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि शराब के साथ तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 70 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर स्कूटी में शराब को छुपाकर तस्करी कर रहे थे। वहीं यह पूरी वारदात कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट की बताई जा रही है। बेगूसराय में रूटीन चेकिंग के दौरान ट्रेन से 17 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। विदेशी शराब के 90 टेट्रा पैक और बियर भी इस दौरान बरामद की गई। बता दें कि बरौनी रेल थाने की पुलिस ने गंगा सागर एक्सप्रेस से शराब को बरामद किया है। जातीय जनगणना को लेकर जदयू की तरफ से आभार यात्रा निकाली गई। आभार यात्रा को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू की मांग थी कि देश भर में जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना से लोगों का फायदा होगा। बेगूसराय में पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। आरोपी अमित कुमार को 20 साल की सश्रम कैद की सजा दी गई है। बता दें कि यह खोदाबंद कोठाना सेक्टर का मामला है। पटना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की गई, जिसमें रुपए के साथ कई संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। उधर खगड़िया में भी जदयू ने आभार यात्रा निकाली। जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं ने यह यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार प्रकट किया गया। बता दें कि जातीय जनगणना कराने को लेकर जदयू की तरफ से यह आभार यात्रा निकाली गई। गोपालगंज के रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से कटकर उस व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना के जूट मिल के पास अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बलवंत कुमार सिंह के रूप में की गई है। अररिया के फारबिसगंज पुलिस ने लूटकांड का उद्भेदन किया है। लूटकांड में शामिल कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार, वाहन और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। आप देख रहे थे इस घंटे की तमाम बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।